हेलो फ्रेंड्स, आपका प्रीति गैलरी में वेलकम है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ टिंडे की सब्जी बनाना। तो इसके लिए हमें भर भर टिंडे ले लेने हैं और ये कच्चे होने चाहिए और बिल्कुल मतलब बिना बीज के या कम वैसे होने चाहिए। और यदि आपके टाइट आ भी जाते हैं पके हुए तो आप उसको कुकर में बना सकते हैं। तो आप इससे पहले बनाओ मेरे चैनल प्रीति कुकिंग और प्रीति गैलरी को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं टंडे की रेसिपी। तो इसके लिए हमने ये टंडे लेने हैं, ये कच्चे टंडे लेने हैं और ये मैंने चार टंडे करीब मतलब थोड़े टंडे लिए हैं। ये कम से कम 100 ग्राम करीब होंगे, 100-150 ग्राम। और ये थोड़ी आप बना के देखिए जिससे कि आपकी अच्छी रेसिपी बन जाए, फिर आप अगली बार और ज्यादा मात्रा में तैयार करिए। और साथ में मैंने लिए हैं इसमें टमाटर और हरी मिर्ची, लिए हरी एक हरी मिर्च ले ली है और 2 या 3 टमाटर ले लीजिए। आपके छोटे हैं तो 3, बड़े हैं तो 2 टमाटर ले लीजिए। और धनिया की हमने हिली ले ली है, इसको तोड़ लेने वाली। अब इसकी पहले हमको ये धनिया तोड़ के रख लेना है और हरी मिर्च भी चॉप करके रख देनी है, टमाटर बारीक बारीक काट लेने हैं। ये अभी हम तैयारी कर लेंगे। और सारे मसाले ले लेने हैं, इसमें हमें हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, जीरा, गरम मसाला और हींग चाहिए, थोड़ी कस्तूरी मेथी और खटाई चाहिए और हल्की सी सौंफ। तो ये सब चीजें हम तैयार करके रख लेंगे। अब मैं तेल में अपने ये टंडे और टंडे को आपको उसमें छीलना है, इसके छिलके उतार लेना है और उतार के इसके छोटे इसके 4 पीस कर लेने हैं। तो ये सब करके रखिए, इसके आगे मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल प्रीति गैलरी और प्रीति कुकिंग को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हमने टिंडे को जो बता दिया था किस तरह आपको छिलके करना था, तो मैंने इसको टिंडे को अच्छी तरह वॉश कर लिया था और इस तरह से मैंने ये बारीक टिंडे काट लिए हैं और इनके छिलके उतार लिए थे सबको धो के। इस तरह से आपको छोटे छोटे पीस कर लेने हैं और हरी मिर्ची के भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है, इसको आप चाहे चाकू से कर लें या चॉपर से कर लें। और टमाटर 2 या 3 से टमाटर हैं, वो भी आपको बारीक काट के रख ली है। और इधर ये मैंने धनिया पाउडर भी चॉप करके रख लिया है। साथ में मसाले मैंने बताई दी थी आपको। अब थोड़ा सा इसके लिए हम सरसों का तेल लेंगे। हम इंडक्शन में बना रहे हैं इसलिए हम इंडक्शन ऑन करेंगे, टेम्परेचर 1000 कर देंगे। और पहले हम इसमें ऑयल डाल लेंगे, जितना आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कितना डालना है। हम थोड़ा डाल रहे हैं और इस तेल को गरम होने देंगे और गरम करने के बाद 5 मिनट का ठंडा होके। अब देखिए मेरा ये तेल है ये बिल्कुल गरम होके ठंडा हो गया है। अब मुझे इसके अंदर थोड़ी सी 1 चम्मच के करीब राई डालनी है और इसको थोड़ा हम इंडक्शन खोल देंगे और टेम्परेचर हमारा 800 कर देंगे। तब तक हमारी राई चटक जाएगी, फिर इसके बाद हम जीरा डालेंगे। राई चटकने तक 2 मिनट वेट करते हैं। अब देखिए हमें 1/2 चम्मच के करीब जीरा पाउडर लेना है, जीरा, और उसको डाल देना है और भूनने तक थोड़ा वेट करना है। अब टेम्परेचर हम इसमें अपना 500 करीब कर देंगे। और आपको तेज लग रहा है तो थोड़ा सिम करेंगे, 1 पे कर दीजिए आप इसका मसाला आपका बनेंगे। इसके बाद आपको डालना है 1/2 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और फिर अब हमें इसमें डालना है आपकी हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को भून लेंगे, फिर हमें डालना है धनिया पाउडर। धनिया इसमें ऐड करेंगे, सिम कर देंगे हम टेम्परेचर। अब इसके बाद डालेंगे हम ये टमाटर, टमाटर को हिलाएंगे। इसके बाद
आधे चम्मच के करीब नमक डालेंगे, एक चम्मच करीब हम धनिया पाउडर और चौथाई चम्मच के करीब गरम मसाला और थोड़ी सी चुटकी भर की हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे और लास्ट के अंदर हम ये अपने टिंडे डालेंगे, फिर इसके बाद लाल मिर्च डालेंगे ताकि इसका कलर सही आएगा। अब इसको अच्छे से करें मिलाना है। अब इसके बाद हमें ये लाल मिर्च डालनी है आधी चम्मच करीब, ये थोड़ी कम तीखी वाली कलर मिर्च है और इसको भी मिला देंगे। अब इसमें हमें पानी ऐड करना है इतना कि हमारे ये जो है जो टिंडे हैं इसमें गल जाए और इसका मसाला भी इसमें हो जाए। हम 500 टेम्परेचर कर देंगे। अब लास्ट के अंदर इसमें हमें आधी चम्मच के करीब कढ़ाई डाल देंगे, या तो आप पहले इसको कर दीजिए या बाद में अलग से ऐड कर सकते हैं, तो अभी तो हम इसमें डाल दे रहे हैं, आपके ऊपर है कि आप इसको बाद में डालना चाहिए इस तरह से। फिर इसके बाद एक बार और हिलाना है इसको, फिर इसका हम ढक्कन लगा देंगे। दो या तीन सीटी में हमारा ये पिंड तैयार हो जाएंगे। हम टेम्परेचर अभी 800 करीब कर देंगे, तो अभी हम खोल के दिखाते हैं तीन सीटी आ जाए, इसके बाद आपको बताते हैं हमारे पिंडे रेडी हो जाएंगे। ये देखिए मेरी सब्जी रेडी है, अब मैं इसको अपने लौंडे में निकाल लूंगी। टेस्टी और बढ़िया सब्जी बनके तैयार हुई है और इसमें बहुत ही सुंदर और कलर अच्छा आ रहा है, खाने में बहुत अच्छी स्वादिष्ट है, तो आप इसको रोटी सब्जी पूड़ी के संग में खा सकते हैं। तो आज का टॉपिक इतना, कल छोड़ के साथ मिलते हैं। ये देखिए मेरी टिंडे की सब्जी बनके रेडी हुई है, कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है।